हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे अमेज़न से नकली एयरपॉड्स डिलीवर हुए थे, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो मैंने 21 तारीख को ऑर्डर किए थे, 22 तारीख को मुझे नकली डिलीवर हो गए और आज 25 तारीख को फाइनली उन्होंने एक रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करी और मेरे लिए रिटर्न में दूसरे एयरपॉड भेजे। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत ये हो गई कि जब वो डिलीवरी वाला आया, उसने पुराने एयरपॉड चेक किए तो वो ये बोल के नहीं लेके गया कि सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा। ऑब्वियसली मैच नहीं होगा क्योंकि वो नकली एयरपॉड हैं जो मुझे डिलीवर हुए हैं। तो ये वीडियो है, वो वीडियो आप देखिए। डुप्लीकेट का तो रिप्लेसमेंट मंगवाया मैंने, नहीं लो आइटम, अब सीरियल नंबर ही मांग रहा आइटम के। हाँ लो, डुप्लीकेट आया तभी तो मैंने रिप्लेस करवाया। ये कंप्लेन में ये था, एप्पल का सर्टिफिकेट भेजा मैंने उनको। अरे तभी तो मैंने डुप्लीकेट मंगवाया था। ये नहीं जाएगा, मेरे पास सीरियल नंबर आ रहा ही जाएगा नहीं, सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा दोनों। सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा है तो कहाँ से मैच होंगे, क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट की रिपोर्ट आ रही है रिटर्न, डुप्लीकेट की तो रिटर्न मार रही है मैंने। मैं नहीं यार, अरे भाई डुप्लीकेट की तो आप उसे चेक करो ना, डुप्लीकेट का ही रिटर्न। सीरियल नंबर मांग रहा है ये, सीरियल नंबर मैच नहीं होगा तो नहीं जाएगा, सीरियल नंबर मैच होने के बाद ही जाएगा। सीरियल नंबर मैच होने के बाद ही जाएगा, तो फिर तो ये जाएगा ही नहीं। इसके बाद मैंने अमेज़न के कस्टमर केयर पर वापस फ़ोन किया, कम से कम 25 बार उन्हें फ़ोन कर चुका हूँ पिछले 3 दिनों में, और उन्होंने कहा है कि 27th को वो मेरा प्रोडक्ट पिकअप कर लेंगे और जब वो प्रोडक्ट अमेज़न के पास पहुंच जाएगा उसके। तो अब मैं 27th का वेट करता हूं, अभी मंडे को 27th है, 2 दिन और वेट कर लेता हूं और उसके बाद जब रिटर्न पिकअप हो जाएगा तो देखता हूं कि कितना टाइम लगता है मुझे मेरा अमाउंट रिफ़ंड होने में, और जो भी अपडेट होगा मैं दोबारा इस चैनल पर आपको दे दूँगा। थैंक यू। ये चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप अमेज़न से कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मंगाते हैं और आपको अगर किसी भी रीज़न से रिटर्न करना होता है तो आप कस्टमर केयर पर पहले ही बात कर लीजिए कि उसका वेरिफिकेशन मेथड क्या होगा, और अगर आपका प्रोडक्ट फेक है, डुप्लीकेट है, तो उसका सीरियल नंबर वैसे भी वेरीफाई नहीं होगा और आपको मेरी तरह से परेशान होना पड़ेगा। तो जब भी आप रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं अमेज़न पर या फिर रिफ़ंड की रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो कस्टमर केयर पर पहले ही बात कर लीजिए कि किस तरह से उसका वेरिफिकेशन होगा और क्या क्या मेथड्स यूज़ होंगे, ताकि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े। के बाद मैंने फिर अमेज़न कस्टमर केयर पर फ़ोन करके उन्हें बताया कि ये मेरा रिप्लेस नहीं हुआ, तो उन्होंने देखा कि क्योंकि वेरिफिकेशन ऑन था इसलिए नहीं हुआ, वो वेरिफिकेशन को ऑफ़ नहीं कर सकते और उस एग्जीक्यूटिव को वापस नहीं भेज सकते डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने कहा है कि 27th को वो प्रोडक्ट पिकअप करा लेंगे और उसके बाद रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, रिफ़ंड नहीं देंगे, रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर पता चलेगा कि रिफ़ंड आएगा कि नहीं। तो जो भी अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर डालता हूँ और आपको बताता हूँ क्या होगा, मेरा रिफ़ंड आएगा कि नहीं। वो जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कीजिए, और जो भी अपडेट होगा मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो बिल्कुल आपके पास आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।